राजस्थान की गहलोत सरकार की योजना का फायदा जटिल बीमारी में भी मिला है और इससे मरीज की बीमारी भी ठीक हो गई है, साथ ही पैसे भी खर्च नहीं हुए। 80 साल के बुजुर्ग को धमनियों के फूलने की जटिल बीमारी थी जिनका इलाज सफलतापूर्वक किया गया। राजस्थान में इस तरह की बीमारी का पहली बार सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। एब्डोमिनल एओर्टिक एनिरिज्म यानी कि पेट की या शरीर की महाधमनी जो सबसे बड़ी धमनी है उसमें फैलाव आ गया था, जिसको एनिरिज्म बोलते हैं, उसकी दीवार में डिफेक्ट आने की वजह से उसमें फैलाव आ जाता है। मरीज जो यहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे वो चेस्ट मतलब उनके पेन था उसकी वजह से आए थे और फिर इसको एंडोवेस्कुलरली स्टेंट ग्राफ्ट डाल के यानी कि एक लाइक हार्ट में स्टेंट डालते हैं उसी तरह का बड़ा स्टेंट जो कि चारों तरफ से बंद होता है उसको डाल के इसको बंद किया गया, उसको नॉर्मल आकार में किया गया। क्या कारण होता है इस बीमारी का? इस बीमारी के मुख्यतः 4-5 कारण होते हैं कि पेशेंट को या तो हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ट्रॉमा हो गया हो, एज रिलेटेड कोई बीड़ी सिगरेट पीते हो उसकी वजह से मोस्टली ये कारण इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। सूर में जिला पार्षद उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी का सम्मान किया गया। पार्षद उम्मीदवार ने खुद के लिए जनता से वोटर सपोर्ट मांगा। वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस के प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व पंच ने उन्हें 21,000 रुपये की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को मंच पर जीवंत किया गया। जयपुर के 18 कलाकारों के नाटक बलिदान में इसको दर्शाया गया। नेट थिएटर के राजेंद्र शर्मा राजू ने बताया कि इस नाटक को वरिष्ठ रंगकर्मी अर्जुन देव चारण